हमीरपुर बस स्टैंड के पास हटाए गए खोखों के बाद उपजा विवाद अब कई पुरानी परतों को खोलने लगा है। अब दुकानों और खोखों से जुड़ा एक पुराना मामला उभर कर सामने आया है, जिसमें वर्तमान नगर परिषद के अध्यक्ष को लपेटे में लिया है। अमरोह क्षेत्र के तहत पड़ते गांव गरहाट के एक व्यक्ति रसाल सिंह पुत्र तुलसी राम ने नगर परिषद हमीरपुर के उपाध्यक्ष पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। उक्त व्यक्ति का कहना है कि कुछ साल पहले तहसील के साथ मुख्य सड़क पर दुकान करता था। दुकान की लंबाई 15 फुट और चौड़ाई 18 फुट थी। नगर परिषद उपाध्यक्ष ने मुझे कहा था कि तुम इस दुकान को खाली कर दो, मैं तुम्हें ऐसे ही दुकान फ्रंट रोड पर दिलवा दूंगा। रसाल सिंह का कहना है कि मैंने नप उपाध्यक्ष से उस वक्त भी कहा था कि मेरा परिवार इस दुकान के सहारे पल रहा है, इसलिए मुझसे धोखा मत करना। बावजूद इसके उपाध्यक्ष और तत्कालीन नगर परिषद के अधिकारियों ने मुझे धोखा किया। बकौल रसाल सिंह मुझे एक पत्र लिखकर ये बताया गया कि आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक दुकान दी गई है, जिसके बदले में मैंने 85,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाया, लेकिन मुझे दुकान के बदले सड़क किनारे खोखा दिखाया गया, जिसकी लंबाई 10 फुट और चौड़ाई 4 फुट और 9 इंच थी। उस खोखे का नंबर 40 था। रसाल सिंह का कहना है कि उससे बड़ा धोखा तो तब हुआ जब वह खोखा भी किसी और को दे दिया गया। रसाल सिंह का कहना है कि उसके खिलाफ अन्याय हुआ और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं, रसाल सिंह ने नगर परिषद उपाध्यक्ष पर कई आरोप चढ़े हैं, जिसमें कहा गया है कि यहां अधिकतर दुकानें उपाध्यक्ष के रिश्तेदारों को अलॉट कर दी गई हैं। मैं ठाणे और किसी के मतलब मेरे दुकान थी, वहां मैं दुकान करता था। इन्होंने वाले पे कमेटी वाले ने वहां से सड़क निकाली और मेरी सवाई लग गया कि आपको उस दुकान मेन रोड पर दी जाएगी और बता दे रहे थे 85,000 रुपये मैंने ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाया। जब दुकान लेने की बारी आई तो उन्हें मेरे को पीछे कर दिया, जबकि हॉर में दिया कि आपको दुकान आगे ली जाएगी। अच्छा, 2012 में सबको ढूंढने बाटी हमारा नाम नहीं सुनाया। दूसरी बार जब 14-15 में दुकान नहीं तो उसमें भी 39-40 दिन दुकान ने खुली छोड़ी और मैं डीसा से मिला। डीसा ने मेरे को लिखा कि उसमें डीसा जड़जिंदर जी थे, उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में रखेंगे। इन द मीन टाइम खेल उनकी बदली हो गई, फिर अपने जी कुमार जी उसमें प्रेजेंट थे, टेटर गाते मैं डिसा से डिसा में बोला कि आपको दुकान जो ले दी गई है। आज के बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप यहाँ से दुकान छोड़ो और दो दुकान ले लो। पहले से मिले मेरे यहाँ, मेरे बारे सोचा, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, डिसा बताएंगे। डिसा से बात होती है तो पहले डिसा येस कर देते हैं, बाद में होते भी इसको दोबारा छोड़ गया और दो दोबारा ले लो आप। मैंने इसमें क्या फर्क आ गया, इसको दे दो क्या जब आप बोला दे देंगे तो फिर नहीं मिली। ऐसे सेम टाइम निकलता चला गया, मैंने बोला चलो दुकान में देखता है कौन खाली कौन नहीं, बस उन्होंने खाली थी उसका पता लग रहा था मेरे को, ब्लॉक में थी उतरे ही हो रहा था। ऐसे निकलता टाइम निकलता चला गया, फिर मैं फिर रिक्वेस्ट करता रहा, रिक्वेस्ट किया ना किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, ना ही मेरे को लेने लिया कि आपको दोबारा और या उसके बारे में आपने जरूर कार्रवाई नहीं की है, क्यों नहीं ली है, कोई कार्रवाई नहीं की, हमें आप कैंसिल कर देंगे, बाहर वहाँ कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंट है, कोई जब तक को मार नहीं कुछ नहीं है। जब 2012 की दुकान में बांटी थी 19-20 रहने किसी को पूछा, फिर हर बार गेट मैंने पीछे 10-15-20 दिन में मैंने काट नहीं पाई थी है। तो इसके जो है कोई दुकान नहीं लाई, कोई रेडी फटे लाई, उसको कहीं दुकान दे दी गई। इसके अपने भतीजे को चिराग जाए को दुकान कैसे दी गई जब उन्होंने कोई रेडी फटे लगाई नहीं, और भी तीन चार दुकान अपने सर को दिए थे, तो मैं आते ही बटना सब मालूम हो जाएगा कि किसी ने क्या किया है, कहाँ किया है। और जो दुकान थे 76 नंबर किया है, 76 नंबर लिखा गया, 67 नंबर है जुआई को दिए, उस समय सब सही दिए, उस समय सही किराए पर दी है ये, तो मेरे पास 10-12 हज़ार रुपये किराए देता हूँ मंथली। वो सब बंदा उस स्कूल का आया जानते हैं, उसको दिए थे किराए पर। अब इसके भाई ने लिया, अरे एक और दो बार खोखा ले लिया, पता नहीं किससे कैसे लिया है, कुछ जाने, क्योंकि इसकी मनोपली थी एक बार कमेटी में, मनोपली जो जाता है करता, अपनी मनोवर्जी करता है, किसी को नहीं पूछता, अफसरों को पता नहीं, प्रशासन को भी ऐसे गुमराह करता रहता था। जब 39 नंबर तो बाहर से छोड़ ली गई, इसको देनी है ए टी एम को, जब उसने वो संतरों को दे दी,